2024 का क्या ही मस्त टाइम है, इतने तगड़े तगड़े स्मार्टफोन आ रहे हैं, उसी के साथ साथ तगड़ा तगड़ा चिपसेट भी लॉन्च हुआ है। मेरे पास है पोको F6 जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 वाला चिपसेट आता है जो कि सिमिलर परफॉर्मेंस देता है स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 के मुकाबले। लेकिन कितना ज्यादा ये पावरफुल है, किस तरीके का ओवरऑल स्मार्टफोन मिलता है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से इसको मैं यूज कर रहा हूं। चलो आज की वीडियो में ना थोड़ा प्रैक्टिकल यूज करके आपको ए टू जेड सब चीज समझाने की कोशिश करता हूं। इवन छोटा सा कंपैरिजन आपके लिए यहां पे Realme GT 6T के साथ भी है इस वीडियो के अंदर, तो एंड तक जरूर से बने रहिएगा। क्योंकि सबसे पहले क्विकली अनबॉक्सिंग दिखा दूं, पोको X6 का बॉक्स आपको लिख जाएगा, पीछे कुछ स्पेसिफिकेशन हल्की फुल्की मिल जाएगी जैसे ही इसको ओपन करेंगे। सबसे ऊपर आपको एक बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ पे देखो सिम इजेक्टर पिन है, इसी के साइड में आप देखो एक आपको यहाँ पे कुछ पेपर वर्क मिलता है और एक आपको TPU केस मिलेगा, डिसेंट सी क्वालिटी का है, नीचे रखा हुआ है फोन, इसको रखते हैं थोड़ा सा साइड में। बाकी आप देखोगे एक टाइप सी चार्जिंग केबल है और एक 120 वॉट का फास्ट वाला चार्जर भी मिल जाता है। फोन को अगर मैं आपको बाहर निकाल के दिखाऊं, आपका क्या कहना है, किस तरीके का फोन लग रहा है ये आप यार मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताना, क्योंकि बिल्ड और डिजाइन की बात थोड़ी सी आगे करते हैं। सबसे पहले यार आपको परफॉर्मेंस से पहले डिस्प्ले की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर अच्छी खासी डिस्प्ले इस बार दी गई है 1.5K रेजोल्यूशन वाली, 6.67 इंच की 120Hz 10-bit का एमोलेड पैनल मिल जाता है। बेजल्स वगैरह फिलहाल आप देखो भाई कितने पतले यहाँ पे निकल के आते हैं, ऊपर नीचे साइड में एकदम बेजल लेस वाली डिस्प्ले लगती है। और यहाँ पे पोको ने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दे दिया है, क्विकली यहाँ पे अनलॉक हो जाता है। अब डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन में अगर आप देखोगे डॉल्बी विजन प्रो XDR HDR 10+ सभी का सपोर्ट आपको इसके अंदर मिलता है। और ये चीज यार मुझे पोको की काफी अच्छी लगती है कि भाई डिस्प्ले वगैरह में कोई कंजूसी नहीं होती है। सबसे अच्छी चीज यार कलर एक्यूरेसी अगर आप देखो काफी बेहतरीन है, हाँ हल्के से वाइब्रेंट टोन में थोड़े से कलर्स आपको मिलेंगे लेकिन दिखने में बेहतरीन है। आपको ब्लैक्स भी अच्छे से इसके अंदर निकल के आते हैं और 4K HDR में आप स्मूथली इसके अंदर स्ट्रीमिंग कर सकते हो। बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी सिंपल शब्दों में यहां पे कहूंगा, इवन बेहतरीन प्रोटेक्शन, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास विक्टस भी इसके अंदर आ जाता है, तो टफ प्रोटेक्शन है और प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी इसके साथ आ जाता है। बाकी 2400 निट्स की इसके अंदर पीक ब्राइटनेस है, HBM ब्राइटनेस आपको 1200 निट्स की मिलेगी। आउटडोर विजिबिलिटी में कोई समस्या नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी इजिली विजिबल हो जाता है। अगर आप पूछो रियलमी GT 6T के मुकाबले 6000 निट्स है उसमें किस तरीके से है, तो इसकी वीडियो जाके देखना, 6000 निट्स का मैंने जो फंडा है पूरी तरीके से आपको समझाया है। लेकिन आप पोको जो बेसिक्स वगैरह है वो भी अच्छे से करता है, यानी डुअल स्पीकर है, डॉल्बी एटमॉस के साथ है, लाउड होता है, क्रिप्स हो जाता है, हल्का सा बैक में थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। क्वालिटी वाइज एक नंबर का आपको मिलेगा। ऑफ कोर्स इसके अंदर 3.5mm जैक नहीं मिलता है लेकिन आपको IR ब्लास्टर जरूर से यहां पे मिल जाएगा, इवन जो NFC है उसका भी सपोर्ट आपको यहां पे मिल जाता है। बट ये सारी चीजों को रखते हैं साइड में और मेन परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं, किस तरीके की यहां पे गेमिंग परफॉर्मेंस है, रेगुलर परफॉर्मेंस है, क्या कुछ नया खास आपको इसके अंदर मिलता है। काफी सारी चीजें हैं स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 की, देखो वही सिमिलर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है एस स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 और काफी सारी चीज इसके अंदर सिमिलर मिलती है, मतलब रेट रेसिंग वगैरह को भी ये सपोर्ट करता है, इवन AI वाली चीजें भी इसके अंदर बहुत ही ज्यादा आपको मिल जाएगी। सबसे पहले अगर आप ऑन पेपर स्कोर देखो भाई तगड़ा बेहतरीन स्कोर इसके अंदर निकल के आता है, Antutu Geekbench CPU थ्रॉटलिंग भी देख लो, इवन AI बेंचमार्क भी मैंने इसके अंदर रन करा, अच्छा स्कोर आता है। सबसे अच्छी चीज LPDDR5X प्लस UFS 4.0 की स्टोरेज का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है और रीड एंड राइट स्पीड भी बेहतरीन आती है। आप देखो नॉर्मल यूजर्स में आई डोंट थिंक कि आपको कोई इशू आएगा, एप्स वगैरह काफी क्विकली लॉन्च होते हैं, एनिमेशन भी आपको इसके अंदर अच्छे मिल जाते हैं, आपको कोई ऐसा ऐसा शटर लैग या UI लैग मेरे को फेस नहीं हुआ है, स्मूथली चलता है, मल्टीटास्किंग में भी आपको कोई भी समस्या इसके अंदर नहीं आती है। लेकिन अगर मैं आपको क्विकली कंपेयर करके दिखाऊं काइनमास्टर रियलमी GT 6T के साथ, तो देखो दोनों ही यार मैंने सेम सेटिंग के साथ रखा है, दोनों को एक साथ मैंने रन करा है और जो शॉकिंग रिजल्ट निकल गया है, मतलब ऑलमोस्ट दोनों ही आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे, बहुत बड़ा ऐसा मेजर वाला फर्क या जो रेंडरिंग है खास करके उसके अंदर मेरे को नहीं देखने को मिला, लेकिन जो फर्क है ना वो AI कैपेबिलिटीज में थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी जिस तरीके से तगड़ी परफॉर्मेंस यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 दे रहा है, उस तरीके से तगड़ी अगर आप खुशी देना चाहते हो मेरे को, तो यार लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन भी यार जरूर से दबा देना, क्योंकि दिल को बहुत तगड़ी वाली खुशी मिलती है और हो सकता है कभी कभी ये वीडियो भी चल जाती है, तो जरूर से यार कर दिया करो। मतलब यार सबसे पहले देखो इसके अंदर जो फीचर्स हैं AI से रिलेटेड काफी ज्यादा है, मतलब आपको अगर ये जो सीन है उसको एक्सपेंड करना है उसका ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है, और क्या परफेक्टली यहाँ पे इसके अंदर वर्क करता है, एकदम AI जनरेटेड है और कितना बेहतरीन यहाँ पे है ये चिप और इनकी जो अपने Xiaomi की टेक्नोलॉजी है दोनों को मिला के यहाँ पे अच्छे से निकल के आया है, ये चीज बहुत अच्छी है। इवन AI इरेजर वगैरह देखो आपको इसके अंदर मिल जाएगा, AI के काफी सारे अलग अलग
तक जो फीचर है इसके अंदर वो मिल जाता है, उससे जो आपकी परफॉर्मेंस है, वर्किंग है, काफी बेटर यहां पर निकल के आती है। इवन अगर आप गेमिंग की बात करो, देखो BGMI मैंने इसके अंदर टेस्ट करा, एक चीज मेरे को समझ में नहीं आई अभी इसके अंदर 90 FPS अनलॉक क्यों नहीं है। मे बी फ्यूचर में हो जाए तो अच्छी चीज है, यानी 120 FPS भी आ जाए तो और भी बेहतरीन चीज हो जाएगी, लेकिन फिलहाल आपको 60 FPS ही मिलता है। एक्सट्रीम का ही ऑप्शन आपको मिलेगा, HDR में भी हो गया या स्मूथ में भी हो गया, तो 90 FPS नहीं मिलता है। लेकिन ऑफ कोर्स 60 FPS में जितनी मैंने इसके अंदर गेमिंग करी है, स्मूथ गेमिंग आपको मिलेगी। भाई बड़ा ही टिक के 55 FPS के अराउंड यहाँ पे ये गेमिंग दे रहा था। इसके अंदर अलग से आपको जो इनका अल्टीमेट मोड है उसमें भी अगर आप खेलोगे तो कोई भी इशू इसके अंदर नहीं आएगा। AI वाइल्ड बूस्टर टेक्नोलॉजी को इन्होंने यूज करा है, तो स्मूथली जो गेम प्ले है इसके अंदर फिलहाल चलता हुआ मिल रहा है। लेकिन आई एम वेटिंग फॉर 90 FPS, तो फुल रिव्यू में 90 FPS के बारे में जरूर से बात करेंगे अगर अपडेट वगैरह आ जाती है। फिलहाल 60 FPS में कोई इशू नहीं है। इवन इसके अंदर इन्होंने लिक्विड कूलिंग भी दी है, तो भाई हीटिंग वाली समस्या नहीं मेरे को दिखी, मतलब ओवर हीट बिल्कुल नहीं हो रहा था। चाहे आप, मैंने इसके अंदर लगातार जितने भी बेंच मार्क टेस्ट है चले हैं, जितने भी गेमिंग है वो करी है, तो उधर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक इधर यहाँ पे इन्होंने काम जो चिपसेट के साथ है अच्छा करके रखा है, क्योंकि चिपसेट के साथ सॉफ्टवेयर भी होना अच्छा वाला जरूरी है। तो इसके अंदर हाइपर OS आपको मिल जाता है जो कि एंड्रॉइड 14 के ऊपर बेस्ड मिलेगा। अब अपडेट का जो है 3+4 ईयर्स का इन्होंने प्रॉमिस करा है, और अपडेट वगैरह आई थिंक यहाँ पे पोको देता रहेगा, उधर कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस बार एक चीज मैंने नोटिस करी ना, इनका जो गेट एप्स है उसके नोटिफिकेशन वगैरह काफी फ्रिक्वेंटली आ रहे थे, तो उसको आपको टर्न ऑफ करना पड़ेगा। इवन इसके अंदर आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन भी मिल जाते हैं जो कि गेम्स वगैरह वाले हैं, ऑफकोर्स आप उनको अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो वो चीज थोड़ी सी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। कॉस्ट कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। लेकिन बाकी अगर आप कस्टमाइजेशन, जैसे मैंने AI वगैरह वाले फीचर बताए जो कि गैलरी के अंदर मिलते हैं, वो भी यहां पे मिल जाते हैं, जो कि बड़ी ही स्मूथली अच्छी तरीके से वर्क करते हुए आपको मिल जाएंगे। बाकी उसके अलावा लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन भी यार आपको ये HyperOS के अंदर मिल जाती है, और छोटी मोटी कस्टमाइजेशन, डुअल ऐप बनाना हो, ऐप को लॉक करना हो, वैसी सारी कस्टमाइजेशन या अपना पर्सनलाइज करना हो, वो कस्टमाइजेशन मिल जाती है। इवन नोटिफिकेशन पैनल ऑफ कोर्स आपको यहां पे वो नया वाला मिलता है, तो उधर भी चीजें जो हैं चेंजेस के तौर पे आपको यहां पे मिलेगी। तो एक अच्छा मैं कहूंगा इंप्रूवमेंट है यहां पे सॉफ्टवेयर के अंदर भी। लेकिन हाँ, गेट एप्स के नोटिफिकेशन अच्छे नहीं लगे, उसको टर्न ऑफ करना पड़ेगा। वैसे बाय डिफॉल्ट आपको इसके अंदर जो पोको का इनका डायलर है वही मिल जाता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग तो आप चुपके से कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन आई थिंक एक चीज मैंने नोटिस करी, जो हैप्टिक्स वगैरह है ना, दिस टाइम इतने बेटर वाले नहीं है। हैप्टिक्स वगैरह आई थिंक एवरेज साइड वाले आपको इसके अंदर मिलेंगे, उधर मैं थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था। बाकी इसके अंदर ऑफकोर्स आपको SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलता है, डुअल सिम का सपोर्ट है, 5G और Wi-Fi के नेटवर्क मैंने देखे भाई कतई मस्त वाले आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, तो उधर भी कोई आई डोंट थिंक कि नेटवर्क कनेक्टिविटी में कोई इशू है। NFC वगैरह का तो सपोर्ट मिल ही जाता है आपको। बट डिजाइन और बिल्ड की बात तो यार आपकी तरफ से सब्जेक्टिव है, लेकिन अगर मैं पर्सनली बताऊं, बैक से देखो दिखने में ठीक ठाक सा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो दो वेरियंट है, एक ये टाइटेनियम वाला है, एक ये ब्लैक वाला आपको मिलेगा। दोनों ही मैट फिनिश के अंदर ऑफकोर्स आपको मिलते हैं, कोई भी लेदर वगैरह वाली फिनिश नहीं है या कोई ग्लास फिनिश हो, दोनों ही प्लास्टिक आपको यहाँ पे मिलते हैं। मैं कहूंगा मुझे ठीक ठाक सा लगा है, ना ही सबसे बेस्ट है ना ही सबसे बुरा है, बीच में मैं एवरेज टाइप का यहाँ पर रखूंगा। काफी प्लेन सा सिंपल सा डिजाइन आपको मिलता है, कवर चढ़ा के थोड़ा फंकी मिल जाएगा, वरना ऐसे एकदम नॉर्मल सा आपको मिलता है। उतना ज्यादा मेरे को पर्सनली इतना पसंद नहीं आया, बट वेट वगैरह जो है वो अच्छे से यहाँ पे इन्होंने कंट्रोल करके रखा है। अराउंड 180 ग्राम का वेट इसका आपको मिल जाता है, फ्लैट एजेस के साथ है, वरना यूज आप काफी हद तक इसको कर सकते हो, बहुत भारी या बल्कि या मोटा आपको फील नहीं होगा, तो उधर वो जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ओवरऑल आपको यहाँ पे अच्छा मिल जाता है। बाकी उसके अलावा जो बात रहती है यहाँ पे कैमरास की, उससे पहले अगर मैंने बैटरी की बात कर लूँ, 5000 mAh की बैटरी मिलती है। फिलहाल जितना यूज करा है अच्छा बैटरी बैकअप मिल रहा है। आइडल ड्रेन एज सच मैंने इसके अंदर नोटिस नहीं करा, थोड़ा और रुक जाओ, इन डेप्थ आपको जरूर से बताऊंगा इसकी बैटरी के बारे में। बाकी 90 W की फास्ट चार्जिंग को यहाँ पे ये सपोर्ट भी करता है। बाकी बात रही कैमरास की, देखो यार इसके अंदर आपको मिलता है 50 MP का मेन सेंसर जो कि सोनी का IMX882 वाला मिल जाएगा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 20 MP का आपको सेल्फी कैमरा भी यहां पे मिलता है। तो एक अच्छी चीज है, चलो यार इन्होंने इस बार सोनी का सेंसर आपको दिया है। बैक कैमरा से आप वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 60 FPS के अंदर कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग, और शूट कर रहे हैं हम दिल्ली के एयरपोर्ट में। वैसे देखो यार नॉइस किस तरीके से आ रही है और मेरी ऑडियो किस तरीके से आ रही है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। वैसे अगर आप देखो यहाँ लो लाइट के अंदर किस तरीके की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये जरूर से आप मेरे को देख के बता सकते हो। और थोड़ा सा चल के भी देखते हैं कि आपको मिल रहा है किस तरीके की आपको यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रही है, कमेंट सेक्शन में बताना। थोड़ा सा चल के आपको स्टेबलाइजेशन दिखा दूँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर। देखो वीडियो रिकॉर्डिंग में तो कोई समस्या नहीं है, ठीक ठाक 4K 60 FPS के अंदर आ जा रही है। ज्यादा बेटर स्टेबल वीडियो चाहिए तो थोड़ा कम रेजोल्यूशन में आओगे तो ज्यादा बेटर मिलेगी। वैसे आपको अल्ट्रा वाइड में वही 1080p 30 FPS में ही मिलती है, लेकिन जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो 1080p 60 FPS तक आपके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर देगा।
फ्रंट में आप 1080p 60fps तक कर सकते हो और इस तरीके की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आई थिंक क्वालिटी वाइज इट्स ओके, बट अगर आप देखो मैं ज़्यादा ब्राइटर इन्वायरमेंट नहीं हूँ, लो लाइट के अंदर हूँ, तो वहाँ पे अगर आप कैच करके देखोगे तो ओवरऑल ठीक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इवन बैक में अगर आप कलर एडजस्टमेंट देखो अच्छा है, अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, स्टेबल वीडियो यहाँ पे ओवरऑल निकल के आती है, तो दैट्स अ गुड पॉइंट। ऑफकोर्स आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार यहाँ पर भी 4K रहेगी तो मजा आएगा, लेकिन चलो डिसेंट सी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। अब देखो 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, डिसेंट से शॉट्स वगैरह ले लेता है। देखो डे लाइटिंग है तो अच्छे शॉट्स वगैरह निकल के आएंगे, हल्के से कॉन्ट्रास्टी सैचुरेटेड ट्यून है, लेकिन दिखने में ठीक है, डिटेल्स भी ठीक आपको ओवरऑल यहाँ पे निकल के आ जाती है। लेकिन जो 50 MP, देखो कुछ चीजें जरूर से इसके अंदर है। सबसे पहले देखो डिटेल्स वगैरह में आई डोंट थिंक कि कोई आपको इशू मिलेगा, मतलब लो लाइट के अंदर भी मैंने डिटेल्स देखी है, ब्राइट एनफ यहाँ पे इमेज निकल के आती है, डिटेल्स ठीक ठाक सी मिल जाती है। कलर्स वगैरह की यहाँ पे बात रही ना, लो लाइट के अंदर या डे लाइट में भी देखोगे थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी और सैचुरेटेड टून यहाँ पे ज्यादा मिलती है। मतलब ऑफकोर्स एक टाइम को आपको आई कैची लगेगा, लेकिन जब आप लो लाइट में जाते हो तो ज्यादा कॉन्ट्रास्टी टून इतनी ज्यादा बेटर लगती नहीं है आंखों में दिखने में। इवन मैंने देखा जो पोर्ट्रेट शॉट निकल के आता है ना, उसमें कलर करेक्शन जो है ज्यादा बेटर निकल के आता है एज कंपेयर टू नॉर्मल शॉट। मतलब कैमरा अगर आप कहोगे तो ठीक ठाक सही मिल जाता है, बहुत कुछ खास नहीं है। ये फुल रिव्यू में मैं और इन डेप्थ टेस्ट करता हूँ, कंपैरिजन रियलमी GT60 के साथ भी आपको करके बताता हूँ, तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर तरीके से आपको क्लियर कट हो जाएगा। वैसे 20 MP का इसके अंदर सेल्फी कैमरा आता है, सेल्फी कैमरा ओवरऑल अच्छी इमेज देता है, यहाँ पे इतने ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी ट्यून नहीं है, डिटेल्स वगैरह भी इसके अंदर ठीक है, कलर्स वगैरह भी डिसेंट से हैं, इवन जो एज डिटेक्शन है वो भी ठीक ठाक से आपको यहाँ पर मिल जाता है, लो लाइट के अंदर भी ठीक परफॉर्म करता हुआ मिलेगा। ओवर एंड आउट अगर मैं कहूँ तो ऑफकोर्स ये पोको वाली ही वो सिमिलर स्ट्रेटेजी में है, कैमराज वगैरह बहुत किलर नहीं है, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, डिस्प्ले देखोगे, बाकी चीज़ों में कमाल वाला काम यहाँ पे जरूर से करा हुआ है। आई नो आपको सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है रियलमी GT60 लिया जाए या पोको वाला F6 लिया जाए, कौन सा ज़्यादा बेटर है, वो कन्फ्यूजन आपका बहुत ही जल्दी मैं क्लियर करने वाला हूँ। उसके लिए आपको सब्सक्राइब वाला बटन दबाना पड़ेगा और वीडियो को लाइक शेयर भी करना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो, मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।